हेलो दोस्तों, आपका फंडामेंटल ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स मेरे चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने ट्रांसलेशन बेसिक्स की बात की कि ट्रांसलेशन के बेसिक्स क्या होते हैं, टेंसेस के टाइप क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसका सेंटेंसेस में हम कैसे यूज करते हैं। उसके बाद सेकेंड वीडियो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आया। अभी सेकेंड पार्ट जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, इसमें क्या होता है। इसमें केवल काम के जारी रहने का बोध होता है, मतलब इसमें ये पता चलता है कि काम आपका चल रहा है, ना खत्म हुआ है ना शुरू हुआ है, बीच में है। मतलब इन वाक्यों के अंत में क्या है पहचान में, इनमें रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह जा रहा है, राम खाना खा रहा है, रोहन गाना गा रहा है, तो मतलब इन वाक्यों के अंत में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे है आदि शब्द आते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिए इन चीजों के बारे में, और इनको चार भागों में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। तो ये तो इनके चार भाग हो गए। हर टेंस के, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, इनके चार चार भाग हैं। आइए दोस्तों अब पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इन वाक्यों में आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का यूज करेंगे। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इस तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये ध्यान रखिए कि आई के साथ एम का, वी, यू, दे के साथ आर का और ही, सी, इट के साथ इसका यूज करेंगे। अब इसमें फार्मूला क्या होगा, सिंगुलर नाउन आएगा, सब्जेक्ट आएगा ही, सी, इट प्लस इज आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। प्लूरल नाउन और वी, यू, दे के साथ आर का यूज होगा, आर के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, आई के साथ एम आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। आप इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज करना वो देख लेते हैं। जैसे वे गीत गा रहे हैं तो दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, दे क्या है, ये प्लूरल नाउन है, तो दे के साथ क्या, आर का यूज किया गया, सिंग वर्ब है तो इसके अंत में आईएनजी फॉर्म लगा दी गई है। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। तो ये सेंटेंसेस को काफी सिंपल लगते हैं, इनका ट्रांसलेशन भी काफी इजी है। अभी हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इन वाक्यों में आई के साथ एम नॉट का प्रयोग करते हैं और वी, यू, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ आर नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगा देते हैं। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगा देते हैं। दोस्तों निगेटिव सेंटेंस में फार्मूला क्या रहेगा, सभी सिंगुलर नाउन और ही, सी, इट के साथ इज नॉट का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। सभी प्लूरल नाउन के साथ और वी, यू, दे के साथ आर नॉट का यूज होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई के साथ एम नॉट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अभी इसको देखेंगे कि सेंटेंस में कैसे यूज कर रहे हैं इसका। वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसमें नहीं आ रहा है, तो दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। वे क्या है, सब्जेक्ट है, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, नहीं नेगेटिव वर्ड और जा रहे हैं ये क्रिया है, तो दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है, उन्हें देर नहीं हो रही, दे आर नॉट गेटिंग लेट, रानी चाय नहीं पी रही है, रानी इज नॉट टेकिंग टी, तुम पत्र नहीं लिख रही, यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, जो शब्द क्या होते हैं, क्या से प्रारंभ होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य से शुरू होते हैं, उसमें अगर आता है तो क्या प्रश्नवाचक शब्द का ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब एम या आर के बाद सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द की शुरुआत में आए तो शब्द का इसमें ट्रांसलेशन नहीं करेंगे और ही, सी, इट अगर आएगा तो उसके और सिंगुलर नाउन तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो आईएनजी प्रयोग करेंगे। और दूसरा ये है कि क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का स्टार्टिंग में ट्रांसलेशन, हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, तो वो आगे फार्मूले में देखेंगे कैसे हमने यूज किया।
तो इसमें क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा इज प्लस नॉट प्लस सिंगुलर नाउन आएगा ही सी ईट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर एम आता है तो एम या आर नॉट प्लस आर प्लूरल नाउन और आई वी यू दे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर आई है तो एम आएगा और वी यू दे है तो आर आएगा। तो अभी आगे सेंटेंसेस देख लेते हैं इसके कि क्या तुम पत्र लिख रहे हो, आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या वे नदी में तैर रहे हैं, आर दे स्विमिंग इन द रिवर, क्या वह घर लौट रहा है, इज ही रिटर्निंग होम, क्या तुम चाय पी रहे हो, आर यू ड्रिंकिंग टी। तो सब में वर्ब की अंत में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आई एन जी लगा है और सभी सेंटेंसेस का स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से किया गया है, एज एम आर से किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी क्या दूसरे सेंटेंसेस जो होते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आया, जैसे तुम्हारा क्या काम इसमें वाक्य बीच में आया, तो इसमें कैसे करेंगे, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द का ट्रांसलेशन वाक्य शुरुआत में करते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है एम आर लगाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट जो है आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आई एन जी का प्रयोग करते हैं। अगर ही सीट आएगा तो ही सी इट के साथ वर्ब की हेल्पिंग वर्ब जो होगी इज आएगी और उसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आईएनजी आएगा। तो मतलब अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले करते हैं। आइए हम इसको फार्मूले में देख लेते हैं, फार्मूले में इसका यूज कैसे करते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड का ट्रांसलेशन पहले आएगा, जैसे क्या क्यों कब कैसे और प्लस इज नॉट प्लस आल सिंगुलर नाउन्स ही सी इट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आई एन जी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर यू यू वी दे और आई है तो क्या आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस आई एम आर नॉट और प्लस आर प्लूरल नाउन, जैसे आई वी यू दे आता है तो वो और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद में आई एन जी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब इसका सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है, जैसे वह कहाँ रह रहा है, वेयर इज ही लिविंग, आप क्या सोच रहे हैं, What are you thinking? तुम चाय क्यों नहीं पी रहे हो? Why are you not taking tea? वह गीत क्यों नहीं गा रहा है? Why is he not singing? तो इसमें आपने देखा सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके अंत में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट आया। जैसे वह कहाँ रह रहा है तो वेयर इज ही लिविंग, वेयर क्या है इंट्रोगेटिव वर्ड है, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ही क्या सब्जेक्ट है और लिविंग क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी फॉर्म। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ट्रांसलेशन सीखने में मदद कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स जो हैं फीडबैक में ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। थैंक यू।